फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स करंट अफेयर 2017 सितंबर थर्ड वीक इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर अपन वो सभी कुछ कवर अप करने वाले हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंटरनेशनल देखेंगे, देन नेशनल, देन ट्रेड एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, सभी कुछ कवर अप करेंगे। साथ में वोकैब 24 को डाउनलोड करना ना भूलें और प्राइम मेंबर बनना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल सेक्शन में दुनिया में क्या क्या हुआ। हालांकि फ्रेंड्स इंटरनेशनल सेक्शन में थर्ड वीक ऑफ सितंबर की बात की जाए तो कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स नहीं हुए हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ दो चार इवेंट हुए हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टूड एट फर्स्ट रैंक इन द कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स फर्स्ट क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स रैंक। तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कंसल्टेंसी एक फर्म है, हेनले एंड पार्टनर्स, उन्होंने नेशनलिटी को लेकर कि दुनिया में सिटीजनशिप जो है वो कौन से देश की सबसे पावरफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, पासपोर्ट पावर कौन से देश की सबसे ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिटीजनशिप का एक इंडेक्स बनाया है, नेशनलिटी इंडेक्स जिसको अपन कहते हैं। तो वो कौन से देश का नंबर वन पे है, ये आपका सवाल था। और यहाँ पर जो आंसर था वो था जर्मन। ओके, जर्मन सिटीजनशिप इज़ रैंक्ड द मोस्ट वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बताई गई है जर्मन की सिटीजनशिप। ओके, इसके अलावा इनकी जो क्वालिटी है जो सिटीजनशिप की वो भी हाईएस्ट क्वालिटी बताई गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है जो कि कंसल्टेंसी हेनले और पार्टनर ने दी है क्यूनाई इंडेक्स के अंदर, जिसमें 161 देशों का देखा गया और सिटीजनशिप स्केल के अंदर 0 से लेकर 17 मार्क्स दिए गए। मेजरली जो 20 स्पॉट्स थे वो यूरोपियन कंट्रीज ने ही डोमिनेट करा है। ओके, अब यहाँ पर सिटीजनशिप की जब बात आती है तो पासपोर्ट पावर की भी बात आती है। तो पासपोर्ट की बात करें अगर अपन फ्रेंड्स, तो दुनिया में USA, UK, इनकी पासपोर्ट पावर बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए तो 2015 तक भारत, इंडिया 59 कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ पे इंडिया विदाउट वीज़ा जा सकता है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल उसको मिल सकता है। ओके, 59 कंट्रीज़ ऐसे थे मेजरली जो इंडिया, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडियंस जाते हैं, जहाँ पे इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है, वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ओके, इसके अलावा जॉर्जिया और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। ओके, आप इसको 59 की जगह 58 कर लीजिए, एक्चुअली 58 कंट्रीज़ है 2013 के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे विदाउट वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल इंडिया को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पोस्टल डिपार्टमेंट हैज रिलीज पोस्टल स्टैम्प ऑन 4 ऑफ बंगाल फेमस एक्सपोनेंट ऑफ द एशियन इंडियन प्रैक्टिस। तो कौन सा देश है जिसने अपने जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर पोस्टेज रिलीज करी है, पोस्टेज स्टैम्प बनाई है, ओके, किस चीज़ की, एक बंगाल के फेमस एक्सपोनेंट है उनके ऊपर। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो जापान होगा। जापान ने रिलीज करी है पोस्टल स्टैम्प ऑन इंडियन योगा एक्सपर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस नाम है इंडियन योगा का। ठीक है, अगर आपको ध्यान है तो विष्णु चरण घोष जो ये पर्सन है, ये कोलकाता के हैं, कोलकाता के थे, जिनकी 1970 में डेथ हुई थी। ठीक है, बॉडी बिल्डर थे और साथ में हाथ योगा के लिए बहुत फेमस थे। एक योगा की एक स्टाइल होती है हाथ योगा, ओके, उसके लिए बहुत फेमस थे और जापान में इस चीज़ को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है, इसीलिए वहाँ के जो योगा में जो डेवलपमेंट हुआ है उसका काफ़ी क्रेडिट विष्णु चरण घोष को जाता है। तो उनके और उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर पोस्टल योगा के अंदर जो ये पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये स्टैम्प रिलीज करी गई है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो जापान सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जापान के बारे में तो पता ही होगा, जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और अगर करेंसी की बात करें तो जापानीज येन वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग कंट्रीज दैट फेस मोस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है उन देशों के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर झेलते हैं। तो देखिए भारत की इस बार जो रैंकिंग है वो थर्ड रैंकिंग है दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर को सहने को लेकर। अगर फर्स्ट नंबर पर बात की जाए, ओके, तो फर्स्ट नंबर पर बात की जाए तो US है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे इंडिया है। तो पिछले हाफ सेंचुरी के अंदर इंडिया ने बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर झेले हैं। ठीक है, उसके बाद में फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बात करें तो ये किसने बताया, तो ये UN के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये बताया है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ याद रहेगी और आपका आंसर होगा यहाँ पे 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017 बिम्स्टेक डीमिक्स 2017 विल बी ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। तो यानी कि जो फर्स्ट बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है वो दिल्ली के अंदर होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि NDRF ओके कंडक्ट करवाएगा इसको, और दूसरा जो है और तीसरा जो है वो ये कि बिम्स्टेक क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के। तो ये 3 पॉइंट और आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है,
ठीक है, कि ये जो बिम्स्टेक नेचुरल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है ये दिल्ली के अंदर होगी। ओके, उसके बाद में ये भी बिल्कुल सही है कि जो एनडीआरएफ है, ओके, ये एक लीगल एजेंसी है जो कि इसको काम करा रही है। और तीसरा ये भी सही है कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तीन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की है। तो आपका जो आंसर है वो तो ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बिम्स्टेक के बारे में सेवन नेशंस का एक ग्रुप है जिसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसके अंदर ग्रुप्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके अंदर पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी सारे सात देश हैं जो कि बिम्स्टेक के अंदर है, और आपके आने वाले में बिम्स्टेक आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन। इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ स्टैब्लिश, तो कौन सी सिटी के अंदर भारत का पहला एनिमल लॉ स्टैब्लिश किया गया है? तो देखिए, इंडिया का फर्स्ट सेंटर जो बनाया गया एनिमल लॉ के लिए हैदराबाद में ओपन किया गया है। ओके, अब यूनियन मिनिस्टर जो है अपनी इस राइट नाउ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मेनका गांधी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो आपका जो आंसर है वो तो बी आंसर है। ठीक है, मेनका गांधी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ओके, मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ थी जिनकी प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो गई थी। संजय गांधी जी की, संजय गांधी जी राजीव गांधी जी के भाई थे। ओके, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है अभी राइट नाउ मेनका गांधी, और एक काफ़ी बड़ी एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ओके, काफ़ी इनको अवार्ड मिले हैं एनवायरमेंट के अंदर और एनिमल राइट एक्टिविज्म के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड प्रणम बिल दैट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू लुक आफ्टर देयर फैमिली मेंबर्स हु डोंट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम? तो देखिए, अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। तो अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इस स्टेट के अंदर, और अगर वो अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहा है, तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके 15% समवेयर उनको दे दिया जाएगा, और ये कंपलसरी कर दिया है उनको ध्यान रखने का। तो बहुत ही अच्छा कदम है जो कि आसाम गवर्नमेंट ने उठाया है। तो आसाम गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया जिसका नाम है प्रणम। ओके, प्रणाम, प्रणाम नहीं, प्रणाम है एक्चुअली, प्रणाम बिल है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है। प्रणाम देख का जो पूरा नाम है वो क्या है? पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। ओके, इस बिल के अंदर जितने भी पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, उन सभी को उनको ध्यान रखना पड़ेगा, और 10 से 15% अगर वो कंप्लेन कराते हैं तो 10 से 15% सैलरी भी उनको देनी पड़ेगी। और साथ में आपको आसाम के बारे में तो पता ही होगा, आसाम के अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, ओके, तो सर्बानंद सोनोवाल राइट नाउ वहाँ के सर्बानंद सोनोवाल तो कौन है? सीएम है। और अगर गवर्नर की बात की जाए तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ पे राइट नाउ गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल विल ग्रांट सिटीजनशिप टू चकमा एंड हेजोंग रिफ्यूजीज, दे केम फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो रिसेंटली जो सेंटर है उसने ग्रांट करी है परमिशन चकमा और हेजोंग रिफ्यूजीज को, तो कौन से देश से ये आए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली चकमा और हेजोंग रिफ्यूजीज के ऊपर एक वाईफाई स्टडी के मैं एक वीडियो भी बनाया गया था अलग से, तो अगर आपको इसके इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लाख चकमा और हेजोंग रिफ्यूजीज है, ये ईस्ट वाइज जो किसी टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ओके, वहाँ से आए थे और काफ़ी सालों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रहे हैं, नियरली 30-40 सालों से ये इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सिटीजनशिप इनको ग्रैंड करे चकमा और हेजोंग रिफ्यूजीज को, जो कि मेजरली अरुणाचल प्रदेश में राइट नाउ रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो तो ए इसका सही आंसर है। अगर चकमा और हेजोंग की बात की जाए तो ये रेसिडेंट हुआ करते थे चिटगोंग हिल के, ओके, जो कि बांग्लादेश के अंदर है राइट नाउ, और पहले बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी सालों पहले 1916 में अपना घर छोड़ के इंडिया में आ गए थे, वो कपदाई डैम के वहाँ पे आ गए थे। और जो चकमा है ये बुद्धिस्ट हैं, हैजोंग है वो हिंदूज हैं, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और काफ़ी रिफ्यूजी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। इन विच स्टेट नेशन फर्स्ट गवर्नमेंट मोबाइल वैन क्लिनिक्स लॉन्च, तो कौन से स्टेट के अंदर अभी रिसेंटली देश की पहली मोबाइल वैन क्लिनिक्स लॉन्च करी गई है? ओके, ये आपका सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब अपन बात करते हैं कि मोबाइल वैन की, तो तेलंगाना गवर्नमेंट है जिन्होंने सबसे पहले इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने फ्लैग ऑफ करी है मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स फॉर ए मैन ईयर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट। तो आपका जो आंसर है वो तो तेलंगाना यहाँ पे सही आंसर है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट किया गया है, तो उम्मीद है कि इससे काफ़ी बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह लॉन्च द शहीद ग्राम विकास योजना, तो कौन से स्टेट के अंदर बीजेपी प्रेसिडेंट ने शहीद ग्राम विकास योजना लॉन्च करी है? तो अभी रिसेंटली जो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह वो लॉन्च करने गए थे झारखंड, जहाँ पे शहीद ग्राम विकास योजना उन्होंने लॉन्च करी है, और ये बर्थ प्लेस है किसकी? जो झारखंड के ट्राइबल आइकन है बिरसा मुंडा, उनकी बर्थ प्लेस है। आप इस फोटो में देख सकते हैं,
ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो क्या है, झारखंड भी आपका सही आंसर है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और झारखंड के सीएम कौन है, रघुबर दास, और वहाँ के गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ये वहाँ के गवर्नर है। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट डीएनए डेटाबेस फॉर स्टोरेज ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ क्रिमिनल्स टू हेल्प पुलिस इन्वेस्टिगेशन। तो कौन सा स्टेट है जो कि भारत का पहला स्टेट बना है जिसने डीएनए डेटाबेस स्टोर करने के लिए डीएनए प्रोफाइल को क्रिमिनल्स की, ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट हो जाए, तो उसके लिए एक सेंटर बनाया है। तो देखिए, ऐसा करने वाला देश का जो पहला स्टेट है वो है महाराष्ट्र। एक मेजर आईटी फर्म है, उन्होंने महाराष्ट्र फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ में टाइप किया है और स्टोरेज करने की बात करी गई है डीएनए प्रोफाइल को, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस को काफ़ी आसानी हो। और ये देश का पहला स्टेट बन गया है जो कि ऐसा काम कर रहा है, महाराष्ट्र, ठीक है, जो कि डीएनए डेटाबेस को हेल्प कर स्टोर करेगा, जो कि मॉनिटरिंग में काम आएगा। हालांकि दुनिया के अंदर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, यहाँ पर सभी और मेजरली यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा पहले से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बंधन टॉड इज एन एंड्रॉयड ऐप विच इज लॉन्च बाय द बिहार गवर्नमेंट। दिस ऐप विल ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन रेसिडिंग चाइल्ड मैरिज। और बंधन टॉड इज अ पार्ट ऑफ जेंडर अलायंस विच एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो देखिए, बंधन टॉड नाम का एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। जहाँ पे क्या होगा, ये अवेयरनेस फैलाएगी चाइल्ड मैरिज को रोकने को लेकर। और ये जो बंधन टॉड है, ये जेंडर अलायंस को लेके, जो इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, उनके द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और आपका जो आंसर है वो तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो जो वहाँ के डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी, आपको पता है बिहार के जो अभी राइट नाउ सीएम है वो तो नीतीश कुमार है, और गवर्नर कौन है, केशारी नाथ त्रिपाठी, जिनको एडिशनल चार्ज वहाँ पर दिया गया है। तो वहाँ पर अभी सुशील कुमार मोदी ने बंधन टॉर्च इसको लॉन्च किया है, ताकि जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट मिल सके और वो सक्सेसफुल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी टू डील विद द इश्यू ऑफ फेक एंड बायस कंप्लेन बाय वुमेन। तो कौन सा देश में ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने ऐसा एक फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई है जो कि डील करेगा, जो कि फेक और बायस्ड कंप्लेंट वुमेन करवाती है किसी भी मैन के खिलाफ। जैसे कि आपको पता है राइट नाउ काफ़ी पावर्स है वुमेन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू फॉर द वुमेन, और उसके काफ़ी मिसयूज़ भी हो रहा है। 50% जो कंप्लेंट है वो फेक प्रूफ होती है, जो कि वुमेन के द्वारा कराई गई होती है। तो उसी को काउंटर अटैक करने के लिए जो हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के फैमिली के ऊपर, और ये सब जो एलिगेशन लगाते हैं, इन सबको टैकल करने के लिए फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो सी सही आंसर है। त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। त्रिपुरा के जो सीएम है राइट नाउ, आपको पता होंगे कौन है, मणिक शंकर है, और वहाँ पे गवर्नर कौन है, तगा गाता रॉय। तगा गाता रॉय वहाँ पे गवर्नर है और सीएम है मणिक शंकर, त्रिपुरा के अंदर। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आएगी, और पहला स्टेट है जो कि इस तरीके की कमेटी जिसने बनाई है। सेकेंड इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2017 स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सेकेंड इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेस्टिवल लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च कहाँ किया गया है, जेएनके के अंदर लॉन्च किया गया है। जेएनके के गवर्नर है वी एन एन बोरा, उन्होंने इनाग्रेट किया है इस फेस्टिवल को, जहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया में से, और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जो योगा सोसाइटी ऑफ कश्मीर की, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। टाटा स्टील एंड टेरी हैज जॉइंटली लॉन्च ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो टाटा स्टील और टेरी का मतलब है द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलके इनिशिएटिव लॉन्च किया है अवेयरनेस क्रिएट करके इन्वायरमेंट को लेकर स्कूल कैंपस के अंदर उड़ीसा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखिए, जयपुर जाजपुर है एक्चुअली, ठीक है, जयपुर, देखिए जो जयपुर जो है, एक तो जयपुर राजस्थान में है जो उसकी कैपिटल है, और एक जयपुर ये भी है जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ में जो प्रोजेक्ट है वो टाटा के द्वारा और टैरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो उड़ीसा सही आंसर होगा, ठीक है, उड़ीसा इसका सही आंसर है जहाँ पे ये लागू कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर विल सेट अप ए स्किल सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट एट विच फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेस। तो जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सिंगापुर एक स्किल सेंटर बनाने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो ये कहाँ पर बनाने जा रहा है, ये आपका सवाल है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, उन्होंने स्किल सेंटर बनाने की बात करी गई है गुवाहाटी के अंदर। तो आपका जो आंसर क्या है यहाँ पे, नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, गुवाहाटी के अंदर सेटअप किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज के, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बात कही है। तो एमओयू साइन किया गया है और सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा और आसाम गवर्नमेंट के द्वारा।
और 2019 तक ये सेटअप कर दिया जाएगा और काफ़ी लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलने की उम्मीद है इससे। तो आपका आंसर जो है वो गुवाहाटी सही आंसर है। डॉक्टर एम एस सुभालक्ष्मी इज़ रिलेटेड टू वेचफील्ड। तो देखिए जो सुभालक्ष्मी जी है ये बहुत ही बड़ा नाम है, ओके, और आपको हमेशा ध्यान रखना है। सुभा जी लक्ष्मी जी की बात की जाए तो ये इंडियन कार्नेटिक सिंगर है, मदुराई से तमिलनाडु से बिलोंग करती है और पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। इसके अलावा और भी कई सारे अवार्ड है जो कि इनको मिले हैं, जैसे कि रमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला है, एशिया का नोबेल प्राइज़ जिसको अपन कहते हैं वो भी, ओके, रमन मैगसेसे वो भी मिला है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1996 के अंदर, ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन्होंने वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस भी दी थी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो तो बी आंसर है। और वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज़ किया है कैमेमरेट कॉइन एम एस सुभा लक्ष्मी के ऊपर, इसीलिए अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में आई है। ठीक है, तो जो ये कॉइन लॉन्च किया है वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है, वेंकैया नायडू जी बन चुके हैं, तो इन्होंने भारत रत्न सुभा लक्ष्मी जी के ऊपर एक कॉइन लॉन्च किया है उनके बर्थ, ओके, बर्थ के ऊपर, ताकि उनको याद करने को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पीपल फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ग्रीवियंस रिडर्सल। तो अभी पीपल फर्स्ट नाम की जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लोगों के समाधान करेगी प्रॉब्लम्स का, ये ऐसा ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है? तो देखिए ऐसा लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो चंद्रबाबू नायडू, ओके, और उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इस लॉन्चिंग से ये काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि रजिस्टर होगी और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजागोन डॉक लिमिटेड डिलीवर्ड इज फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कालवारी टू इंडियन नेवी। और जो ये सिक्स सबमरीन डिजाइन बाई US नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी DCNS एंड इट विल रिप्लेस द इंडियन नेवी एजिंग सिंधुकुश एंड शीश कुमार क्लास ऑफ सबमरीन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके, और पहला स्टेटमेंट जो है वो तो है कि मजागोन डॉक लिमिटेड पे पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कालवेरी, ओके, ये सौंपी गई है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा यह कि जो 6 सबमरीन डिज़ाइन करी जा रही है वो US नेवल डिफेंस और एनर्जी कंपनी के बीच में की जा रही है, तो ये बात गलत है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसके साथ में बन रहा है, फ्रेंच के साथ में बन रहा है, ना कि US के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो डिज़ाइन करी गई है वो फ्रेंच नेवल डिफेंस और एनर्जी कंपनी है DCNS, इन दोनों ने डिज़ाइन करी है जो कि रिप्लेस करेगी सिंधुकुश को और साथ में शीश कुमार को। तो ये फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है, तो आपका डी आंसर सही है। अब देखते हैं बिजनेस रिलेटेड न्यूज़। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया साइन ए लोन डील विथ JICF फॉर अ प्रोजेक्ट टू अपग्रेड द एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। अब ये JICA क्या है, ये है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, तो उनके साथ में इंडिया ने डील साइन करी है एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को लेकर, और ये प्रोजेक्ट है वो अपग्रेड करेगा अलग सोसिया शिप रिसाइकिलिंग यार्ड को, और एग्जीक्यूट कौन करेगा, महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर दी गई है, ओके, पहला वाला बिल्कुल सही है, जापान के साथ में ये डील हुई है, ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है वो अपग्रेड भी करेगा अलंग सोहिया शिप यार्डिंग या रिसाइकलिंग यार्ड को, और साथ में एग्जीक्यूट बाय महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड, ओके, ये चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखना है कि महाराष्ट्र के द्वारा नहीं गुजरात के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात की आएगा ना कि महाराष्ट्र, सबसे पहले बात तो, ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 1 और 2 आपका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन इंडिया हैज टाइड अप विथ विच बैंक टू ऑफर अनसिक्योर्ड माइक्रो लोन्स इन अ शॉर्ट स्पैन। तो अमेजन इंडिया ने कौन से बैंक के साथ में टाइप किया है ताकि अनसिक्योर्ड माइक्रो लोन दे सके वो शॉर्ट स्पैन के लिए? तो देखिए अमेजन इंडिया ने टाइप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में फॉर माइक्रो लैंडिंग, ओके, अब यहाँ पे जो माइक्रो लैंडिंग है वो 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक के लिए, जो कि शॉर्ट स्पैन में दी जाएगी 3 से 5 दिनों के अंदर। जो अमेजोन के जो अमेजोन पे जो रिटेलर्स हैं जो कि लोग जुड़े हुए हैं अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सभी को ये लोन प्रोवाइड करा जाएगा, ओके, और ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन जो सेलर हैं उनको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। और बड़ौदा के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इंडियन ओन्ड इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है वडोदरा के अंदर है, जिसका पहला नाम बड़ौदा हुआ करता था गुजरात के अंदर, और 1908 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। और राइट नाउ रवि वेंकटेशन चेयरमैन है और जया कुमार MD और CEO है इस बैंक की, और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ये टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो आपका जो आंसर बनता है यहाँ पे वो डी इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज सिक्योर्ड लोन फ्रॉम ADB टू सर्व लो इनकम वुमेन बोरोवर्स इन रूरल एरियाज। तो कौन सा बैंक है जिसने ADB से लोन लिया है ताकि जो वुमेन बोरोवर है रूरल एरिया में उनको लोन प्रोवाइड कर सके? तो ऐसा करने वाला जो बैंक है वह इंडसलैंड बैंक, जिसने $200 मिलियन लोन लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, माइक्रो लैंडिंग जिसको अपन कहते हैं। अब उसमें से 7 ईयर का जो ये सीनियर लोन है
ये जो इंडसलैंड बैंक को दिया गया है, अब इसमें से 95% जो एडीबी फंडिंग जो हुई है वो वुमेन बोरोवर के लिए हुई है, जिसमें 70% जो लेस डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे वुमेन को दिया जाएगा ताकि वो भी काम कर सके और आगे बढ़ सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको सभी को पता होगा, 1966 में ये ओपन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला के अंदर है, फिलीपींस में। 67 मेंबर्स है इसके और तकाहिको नकायो इसके प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक ने इंडसलैंड बैंक के साथ में इन्होंने ये करार किया है जो कि माइक्रो लैंडिंग को लेकर है। और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो कि किया गया है इनके द्वारा। अब इसकी बात करें फ्रेंड्स, अगर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन अपन इंडसलैंड बैंक की लें तो ये इंडसलैंड बैंक क्या मुंबई बेस्ड इंडियन न्यू जनरेशन बैंक है। जो कि इस्टेब्लिश 1994 में इसको किया गया था, 1994 के अंदर। जो हिंदुजा ग्रुप का अगर आपने नाम सुना होगा तो उन्हीं का ये बैंक है। श्रीचंद पी हिंदुजा ये इसके फाउंडर हैं। और राइट नाउ की पीपल की बात की जाए, राइट नाउ सीईओ कौन है? रमेश सोबती इसके सीईओ हैं। किसके? इंडसलैंड बैंक के। इंडिया गेट इज फर्स्ट हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन फ्रॉम विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इंडिया को जो फर्स्ट हाई पावर जो लोकोमोटिव मिल रहा है वो कौन से देश से मिल रहा है? तो देखिए, जो इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव लेने का, वो पूरा हो चुका है क्योंकि 12,000 HP का लोको फ्रांस से कोलकाता पोर्ट पे पहुंच गया है। ये अपने टाइप का पहला है हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिससे जो डिस्टेंस है वो डबल बार कवर अप हो सकते हैं जो कि राइट नाउ एक ही बार हो रहे हैं। 2015 के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फ्रेंच कंपनी के साथ में, और 800 सच इंजन्स की डिमांड करती है अगले 11 साल के अंदर। ठीक है, और मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार के अंदर ही JV चालू करा है दोनों ने। और ये पहला मेजर FDI है रेलवेज के अंदर, रेलवे सेक्टर के अंदर, जो कि फ्रांस से आया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे बी इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रन PSU हैज साइंड एन MOU टू फॉर्म एट JV खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ में? तो कौन सी स्टेट रन PSU है जिन्होंने साइन नहीं किया है MOU किसके साथ में? ज्वाइंट किसके साथ में? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ में। तो देखिए, रिसेंटली तीन कंपनियां हैं जिन्होंने स्टेट रन PSU जिन्होंने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ में MOU साइन किया है। अब जो तीन कंपनियां हैं वो कौन सी है? एक तो नैलको है, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और एक MECL है। ये तीन कंपनियां जिन्होंने ये टाइप किया है, और जिसने नहीं किया है जो कि आपका सही आंसर है वो ए इसका सही आंसर है। जो PSU जिसने साइन नहीं किया है वो है सेल, सेल ने इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, तो नैलको के बारे में तो आपको पता ही है, नैलको कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और हिंडालको की बात किया जाए तो हिंडालको भी क्या है? एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, लेकिन जो इसके काम है वो मेजरली उत्तर प्रदेश रानी रेणुखेत के अंदर है, रेणुखेत उत्तर प्रदेश के अंदर। किसका? हिंडालको का, मैं बात कर रहा हूँ हिंडालको की। तो पेपर में नैलको हिंडालको ये सब पूछते रहते हैं, इनकी लोकेशन पूछते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द OECD इंडिया इकोनॉमी विल लाइकली ग्रो डैश इन फिस्कल ईयर 2018। तो 2018 के अंदर जो भारत की फिस्कल ईयर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस रेट से होगा ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द OECD। तो सबसे पहले तो OECD के बारे में जान लेते हैं, कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके 35 मेंबर हैं। कब ये फाउंड हुई थी? OECD की बात की जाए तो 35 तो इसके मेंबर्स हैं, और 1960 में ये फाउंड हुई थी। और मेजरली जो इसमें हाई इनकम नेशंस हैं, जिनकी हाई HDI रैंकिंग है, वो इसके मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका पेरिस के अंदर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली भारत की जो डेवलपमेंट रेट है और जो इकोनॉमी रेट है वो कितनी हो जाएगी? 6.7 ई आपका सही आंसर है। पहले इन्होंने 7.3 बोला था, लेकिन डीमोनेटाइजेशन हुआ, GST लागू हो गया, उसके बाद में ऑब्वियस है थोड़ा कम होनी थी, तो 6.7 हो चुकी है। और साथ में चाइना ने थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट किया है, 0.2% इंक्रीज किया है, और 6.8% पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट पॉपुलर बैंक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय ब्रांड फाइनेंस? तो ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंगली भारत का सबसे ट्रस्टेड और पॉपुलर बैंक कौन सा है? तो ये है SBI बैंक। बी आपका सही आंसर है। तो ये जो सर्वे है वो कि कंडक्ट कराया गया है, और लंदन में इसका हेडक्वार्टर है इस कंपनी का जिसने ये सर्वे करवाया, ब्रांड फाइनेंस नाम की कंपनी है। SBI के बाद में HDFC है, उसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए स्वच्छ भारत अभियान के उत्तराखंड के अंदर, ये कौन बनाए गए हैं? तो ऐसा बनाने वाले कौन है? अक्षय कुमार है जिनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन का उत्तराखंड के अंदर। और कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश का भी इनको बनाया गया था कैंपेन को लेकर, जब इनकी टॉयलेट एक प्रेम कथा लॉन्च हुई थी और वहाँ पर टैक्स फ्री भी कर दी गई थी।
तो यहाँ पे भारत का जो मोटिव है 2019 तक है कि ओपन डिफेकेशन कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए, जिससे हर 10 में से एक आदमी की डेथ जो होती है वो सैनिटेशन की वजह से होती है फ्रेंड्स इंडिया में। और सैनिटेशन का जो मेजर कॉज है वो यही है, ओपन डिफेकेशन, हाथ नहीं धोना, जगह जगह गंदगी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ NIA? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपको पता ही है। ये एक सेंट्रल एजेंसी जो कि स्टैब्लिश करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टेररिज्म को कॉम्पैक्ट करने के लिए। कॉम्पैक्ट करने के लिए सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई गई थी। और जब 2008 के अंदर अटैक हुआ था, जो टेरर अटैक हुए थे उसके बाद में, मुंबई अटैक हुए थे उसके बाद में इसको बनाया गया था। और अभी जो रिसेंटली इसके हेड बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? वाईसी मोदी। वाईसी मोदी है जो कि इसके हेड बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन? तो NBA जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है इसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करे गए हैं? तो देखिए फ्रेंड, जो पर्सन 2014 से 16 तक के थे उनको वापस से बनाया गया है। यानी जो टीवी के, इंडिया टीवी के जो चेयरमैन है, एडिटर इन चीफ है रजत शर्मा, ये बने हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट 17 और 18 के। इसके अलावा जो मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी है जो कि ज्वाइंट जिसके जो ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है MV श्रेय एम कुमार, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और चैनल 24 जो है, 24 न्यूज़ ब्रॉडकास्ट इंडिया लिमिटेड, उसके जो चेयरपर्सन है MD है अनुराधा प्रसाद, उनको बनाया गया ऑनरेरी ट्रेजरर। और यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट के, तो रजत शर्मा आपका सही आंसर है। अब देखते हैं वॉर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन दिस ईयर बेल्जियन प्राइजेस बाय इंटरनेशनल बेल्जियन प्राइज फाउंडेशन? तो ये जो इंटरनेशनल बेल्जियन प्राइज फाउंडेशन है वो इस साल का किन को मिला है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये जो इंटरनेशनल बेल्जियन प्राइज फाउंडेशन है, ये देखिए 4 एनुअली मॉनिटरी प्राइज जो प्राइज है वो प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कल्चर, इंडेवर फॉर पीस एंड ब्रदरहुड, इन सभी फील्ड के अंदर प्रोवाइड करती है। और इस साल का जो अवार्ड है वो बीना अग्रवाल को मिल रहा है। 2 इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इम्यूनोलॉजी ट्रीटमेंट को लेकर, कैंसर को लेकर, उसमें से एक जो है वो कौन है? इंडियन इकोनॉमिस्ट है, बीना अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर रिसीव्ड ए ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017? तो ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 जो कि वहाँ के जो एशियन MP है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग UK की जो पार्लियामेंट के लॉन्गेस्ट सर्विंग एशियन प्रेसिडेंट है, एशियन प्रेसिडेंट माफ कीजिएगा एशियन MP है, कैथ, उनका नाम है कैथ, कैथ वैज, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉन्गेस्ट सर्विंग एशियन MP है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है सलमान खान को। और ये अवार्ड किसने दिया है? उनके ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस की वजह से। तो आपका जो आंसर है वो ए, इसका सही आंसर है सलमान खान। हु अमंग द फॉलोइंग फिल्म मेकर्स वॉन द प्रेस्टिजियस ANR नेशनल अवार्ड फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द तेलुगु फिल्म फेस्टिवल, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस्टिजियस ANR जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है, ये साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु या जो तेलुगु, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर काफ़ी एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने काफ़ी पिक्चरें बनाई है, मेजरली तेलुगु के अंदर। ठीक है, तेलुगु के अंदर काफ़ी उन्होंने मूवीज बनाई है, एक्टिंग करी है, प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े, तो उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया था, ANR नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो, इसका आंसर किसका होगा? सी इसका सही आंसर होगा। वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने, उन्होंने ANR अवार्ड दिया है राजमौली को। राजमौली जी के बारे में आपको पता ही है, फिल्म मेकर है, उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। और ये तेलंगाना के जो CM है चंद्रशेखर राव, वो भी प्रेजेंट थे फंक्शन के अंदर। ठीक है, और ये जो नागा सेवा राव के बारे में अगर आपने सुना होगा, नागा सेवा राव जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं एज ए ANR नाम से, ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, तो उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। विजय हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फर्स्ट मैन ऑफ एशिया डिसेंट टू विन एन एक्टिंग अवार्ड एट द एमी? तो देखिए एमी अवार्ड्स टेलीविजन की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड है, और यहाँ पे फर्स्ट एशियन कोई जो अवार्ड मिला है वो है रिज अहमद। डी आपका सही आंसर है। ठीक है, रिज अहमद कौन है? ब्रिटिश एक्टर है पाकिस्तानी डिसेंट के, और 2 एक्टर जो है एशियन डिसेंट के जिन्होंने एमी अवार्ड पहले जीता है वो ब्रिटिश इंडिया आरकी पंजाबी और इसराइली और इरानियन अमेरिकन एक्ट्रेस है। तो आपको ध्यान रखना जो एमी अवार्ड है वो टेलीविजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवार्डेड विद द राजभाषा कृति अवार्ड 2016 एंड 2017? तो राजभाषा कृति अवार्ड जिनको मिला है वो है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद है जिनको ये अवार्ड मिला है, तो आपका जो आंसर है वो बी इसका सही आंसर है। ठीक है, उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, जो रिप्रेजेंट है कोविंद जी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है।
और ये कब दिया था? 14 सितंबर को दिया था, ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस. ओके, हु विच अमंग द फॉलोइंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग वुमेन फार्मर्स हैज वॉन दिस ईयर यूएन इक्वेटर प्राइज. ओके, तो यूएन इक्वेटर प्राइज जीतने वाला कौन सा एनजीओ है ये आपको बताना है. तो देखिए, एक पुणे बेस्ड एनजीओ है जिसका नाम है स्वयं शिक्षम प्रयोग. ओके, इसको स्टार्ट करने वाली जो पर्सन थी वो थी प्रेमा, प्रेमा गोपालन. उन्होंने इस एनजीओ को स्टार्ट किया था, और इस ये एनजीओ जो वुमेन वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, ओके, उनको काम देने का वर्क करता है ताकि वो भी एक अच्छे से डाइग्निटी के साथ अपनी जीवन जी सके. और काफ़ी सालों से काम कर रहा है और एम्पावर कर दिया है 20,000 वुमेन फार्मर को. मराठवाड़ा जो रीजन है महाराष्ट्र के, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पे इन्होंने ये सब किया है. अब देखते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़. विच अमंग द फॉलोइंग बैडमिंटन शटलर वॉन द कोरियन ओपन सुपर सीरीज टाइटल 2017. तो आप सभी को पता ही है वैसे कि कोरियन ओपन सुपर सीरीज जीतने वाली जो प्लेयर है वो पीवी सिंधु है, जिन्होंने जापानीज की नाशोमी उकुहारा को हराया है. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स एंड वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप लीड. तो कौन से पर्सन जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में अभी विजेता घोषित हुए हैं और अपनी चैंपियनशिप में फासला बढ़ा लिया है दूसरे प्लेयर से? तो देखिए, लुइस हैमिल्टन है जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है. इनके जो क्लोज जो कंपटीटर है सेबेस्टियन वेटल, वो तो काफ़ी पीछे रह गए थे इसके अंदर. तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओके, लुइस हैमिल्टन ए इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन ऑफ फीफा वुमेन वर्ल्ड कप. तो फीफा का जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है उसका स्लोगन क्या है ये आपको बताना है. तो देखिए, जैसा कि आपको बताइए, फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप जो होएगा वो फ्रांस के अंदर होएगा, ठीक है, सबसे पहली बात. तो देखिए फ्रेंड, जो स्लोगन रखा गया है इस टूर्नामेंट के अंदर वो रखा गया है डेयर टू शाइन. ओके, जो कि रिफ्लेक्ट करता है फुटबॉल का डेवलपमेंट, स्पेशली वुमेन फुटबॉल का डेवलपमेंट. तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो ए सही आंसर होगा. अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो डेथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अर्जन सिंह रिसेंटली डाइड, हु ही वॉज? तो देखिए, अभी बहुत ही बड़े पर्सन है एक, जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है, जिन्होंने 1965 के वॉर के टाइम पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी. पाकिस्तान के लिए हीरोज थे 1965 वॉर के, अर्जन सिंह, जो कि चीफ थे IAF के, इंडियन एयरफोर्स के, जब वो 44 ईयर के थे. उनको रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है. तो ये कौन थे? चीफ ऑफ एयर स्टाफ. बी आपका सही आंसर है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है. ओके, इनका जो बॉर्न हुआ था वो 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, कहाँ पे? फैजलाबाद के अंदर, जो कि राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर है. उसके बाद इनको एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स इन्होंने किया 19 साल की उम्र में 1938 के अंदर. उसके बाद में 1964 के अंदर वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने. ओके, जो कि रैंक है एयर मार्शल की, ठीक है. आफ्टर और रिटायरमेंट के बाद में इनको इंडियन एम्बेसडर भी बनाया गया स्विट्जरलैंड का 1969 के अंदर. तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 98 ईयर्स के, इनकी 98 ईयर्स. ओके, इनकी अभी उम्र थी जब इनकी डेथ हुई है. नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन वायलिन ब्राउन हैज डाइड, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो देखिए, अभी ब्राउन की रिसेंटली डेथ हुई है, ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थी, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है. अब दुनिया की जो ओल्डेस्ट पर्सन है अब वो जापान की है, ठीक है. ये कहाँ की थी? जमैका की थी. 117 साल की थी है और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है. और अब नाभी ताजिमा है जापान की, जो कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पर्सन है. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब देखते हैं बुक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एथलीट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है फ्रेंड्स, आपके आने वाले पेपर में आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन. अनस्टॉपेबल जो ये ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? शरापोवा की है, मारिया शरापोवा. ओके, भारत में ये न्यूज़ में जब आई थी, जब इन्होंने सचिन को पहचानने से मना कर दिया था, जब इनसे पूछा गया था सचिन के बारे में, तो इन्होंने बोल दिया था कि सचिन कौन है इनको पता नहीं था, जिसमें देश के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि ये रशियन है और रशिया के अंदर क्रिकेट फेमस नहीं है, तो पॉसिबल था कि इनको पता ना हो, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं थी, ठीक है. तो ये जो उसके बाद में इनके ऊपर ड्रग्स के चार्जेस लगे, जिससे इनको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ के अंदर रहे हैं. और इसी को लेकर उन्होंने किताब लिखी है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, जो कि काफ़ी एक इंस्पिरेशन, परसिस्टेंस को लेकर, फेयरलेसनेस को लेकर, कैंडर को लेकर लिखी गई है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर. ओके, और 5 बार की एक ग्रैंड स्लैम विनर भी है मारिया शरापोवा. तो उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा. और नेक्स्ट देखते हैं, बुक इन्वॉल्विंग विद द सुब्रमण्यम स्वामी ए रोलर कोस्टर राइड इज रिटन बाय. तो देखिए, एक सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आपको पता ही है, बीजेपी के लीडर हैं और काफ़ी बड़े लॉयर भी हैं. तो एक बुक है जो कि लिखी गई है रोलर कोस्टर राइड इन्वॉल्विंग विद द सुब्रमण्यम स्वामी. तो ये जो किताब लिखी है रॉक्सना स्वामी ने लिखी है. तो आपका जो आंसर है वो ए इसका सही आंसर है, ठीक है. मैथमेटिशियन बाय ट्रेनिंग एंड लॉयर बाय प्रोफेशन,
रोक्सना स्वामी, ओके, उन्होंने ये किताब लिखी है और इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स उन्होंने दी है, जो एंटी करप्शन क्रूसेडर है सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पॉलिटिकल लाइफ 1990 तक कैसे रही है उस चीज़ को लेकर। सो फ्रेंड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि थर्ड वीक ऑफ सेप्टेम्बर से थे। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएंगे और आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।